द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शपथ ग्रहण से ठीक पहले एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की टेंशन चंद्रबाबू नायडू ने बढ़ा दी है। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी के लाइन को काटते हुए फिर से खुला ऐलान किया है कि मुस्लिम आरक्षण टीडीपी अपने राज्य में देते ही रहेगी, इसे जारी रखा जाएगा और यह सामाजिक न्याय के दौर में तुष्टिकरण नहीं कहलाएगा। नरेंद्र मोदी को सीधा जवाब। बीजेपी का स्टैंड क्लियर था कि वो एससी एसटी ओबीसी कोटे के आरक्षण में मुस्लिम आरक्षण का हिस्सा जो है नहीं बनने देंगे। अब मुस्लिम आरक्षण दिया जाएगा अगर चंद्रबाबू नायडू ने यह स्टैंड लिया है, तो फिर इससे बीजेपी की परेशानी बढ़ेगी और विचारधारा की लड़ाई तो पहले से जारी है, फिर भी एनडीए में पार्टनर बने हैं। अब यह ऐलान कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को टेंशन देने जा रही है कि शपथ ग्रहण तो कर लेंगे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो अपने एजेंडे लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें मुस्लिम आरक्षण भी शामिल है, क्या उसके तहत बीजेपी को आगे चलकर नुकसान हो सकता है? बीजेपी ने अपनी छवि मुसलमानों के खिलाफ वाली बना रखी है। खुद नरेंद्र मोदी चुनावी भाषणों में मुसलमानों के खिलाफ फबतियां कसते नजर आए, मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ खुलकर बोलते नजर आए। अब उन्हीं को सीधा जवाब चंद्रबाबू नायडू ने अपने फैसले से दे दिया है। जरा हेडलाइन देखिए आप, क्या कहा जा रहा है। आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2024, मुस्लिम आरक्षण पर टीडीपी ने कर दिया बड़ा दावा, शपथ ग्रहण से पहले बढ़ जाएगी बीजेपी खेमे की टेंशन। या टेंशन तो निश्चित तौर पर बढ़ने ही जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ टीडीपी का ऐलान हुआ कि सामाजिक न्याय तुष्टिकरण नहीं है मुस्लिम आरक्षण पर, ये चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी का स्टैंड है और इस स्टैंड ने ही तो बीजेपी की बेचैनी बढ़ाई है। वैसे भी तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू ने जब बीजेपी के साथ गठबंधन में आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तब भी मुसलमानों के लिए कुछ हितकारी फैसले लिए गए थे, घोषणा की गई थी घोषणा पत्र में, वो भी जान लेना जरूरी है। तब भी बीजेपी के नेता मौन मुद्रा में चले गए थे, उस वक्त भी मोदी जी के नारे तो चल रहे थे, लेकिन यह घोषणा पत्र भी साथ साथ ही काम कर रहा था। इसमें कहा गया था कि भाजपा गठबंधन के साथ ही टीडीपी के घोषणा पत्र का कुछ अंश, 50 वर्ष से ऊपर के मुसलमानों को पेंशन, हर बड़े शहर में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए जमीन, 5 लाख बिना ब्याज के मुसलमानों को लोन, इमामों की तनख्वाह 10,000 रुपये, हर मस्जिद के रखरखाव के लिए 5,000 महीना और 1,00,000 रुपये एकमुश्त सहायता राशि, इसके अलावा मुसलमानों को 4% आरक्षण का वादा हर सभा में चंद्रबाबू नायडू ने किया ही है। भक्त मौन मुद्रा में चले गए हैं, ये जो अक्षित सिंह हैं इन्होंने शेयर किया है। अब ये घोषणा पत्र भी बीजेपी को खटक रहा था, लेकिन अब खुला ऐलान है कि भाई हमने जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे, आप गठबंधन में हैं तो हैं, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी की टेंशन यहां भी बढ़ ही गई है। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये नीतीश बाबू और नायडू बाबू, जिसे इस वक्त एनडीए कहा जा रहा है, इसे नीतीश डिपेंडेंट कहा जा रहा है अलायंस है, या फिर नायडू डिपेंडेंट अलायंस कहा जा रहा है। अब यही नीतीश कुमार चाहते हैं कि अब अग्निवीर और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फिर से चर्चा हो, इसमें बदलाव किए जाए, विपक्ष से भी राय ली जाए। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि बीजेपी का स्टैंड मुसलमानों को लेकर जो भी हो, हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम मुसलमानों को आरक्षण देकर रहेंगे और यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। रिपोर्ट देखिए, एबीपी न्यूज ने कहा है कि आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन में जीत हासिल करने वाली तेलुगु देशम पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ी बात कही है। तेलुगु देशम पार्टी के नेता आर रविंद्र कुमार ने कहा कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को दिया जाने वाला आरक्षण आगे भी जारी रहे। अब इसे समझ गए होंगे आप कि विधानसभा में भी बीजेपी ने कुछ सीटें तो जीती हैं,
अब ये गठबंधन जो है वहां पर बीजेपी सरकार में होगी, वहां मुस्लिम आरक्षण लागू किया जाएगा या उसे जारी रखा जाएगा? तो बीजेपी का एजेंडा केंद्र में जो है कि हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, उस पर तो बट्टा लग रहा है। अब यह बीजेपी के लिए परेशानी का मुद्दा बनता जा रहा है। एएनआई से रविंद्र कुमार बात कर रहे थे, उन्होंने जो पूरी बातें कही है जरा देखिए। कहा जा रहा है कि आर रविंद्र कुमार ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा, हाँ हम आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण को जारी रखेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। के रविंद्र कुमार की यह टिप्पणी टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की ओर से दिए गए आश्वासन के एक महीने बाद आई है। एक महीने पहले चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा था कि भले ही उनकी सहयोगी भाजपा ने धर्म के आधार पर आरक्षण न देने का दावा किया हो, लेकिन उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रखेगी। अब यह बीजेपी के लिए एकदम से कहते हैं ना कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, ऐसे पोजीशन में बीजेपी आ गई है। नरेंद्र मोदी सिर्फ इस पर क्या कर सकते हैं, इस यानी हंसी हंसेंगे भाई, हमारे पार्टनर एक तरफ नीतीश एक तरफ नायडू, ये दोनों ना हो तो एनडीए एकदम से डगमग करती एक ऐसी नाव बन जाएगी जो कभी भी डूब सकती है। अगर इन दोनों की बातों को दरकिनार किया तो भी बीजेपी की सरकार सत्ता में केंद्र में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, ऐसे में इनके हर शर्तों को मानना पड़ेगा। नायडू साहब ने मंत्रालय भी बहुत बढ़िया बढ़िया मांग लिए हैं, स्पीकर का पद भी मांग लिया है। अब जब कैबिनेट का बंटवारा होगा, पोर्टफोलियो बटेगा, तो देखा जाएगा कि चंद्रबाबू नायडू की कितनी मांगे ये पूरी कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने भी मांग रखी कि वित्त मंत्रालय उनको दे दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि आप जो फैसला लीजिएगा मोदी जी, हम आपके साथ हैं, और मौका लगते ही वो पैर भी छू रहे हैं आजकल, तो नरेंद्र मोदी के पैर छूने पहुंच भी गए। तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, पैर छूकर पैर खींच लेंगे, पलटी मार देंगे, या तो समय के गर्भ में बातें हैं जो कि कुछ महीने बाद सब कुछ भापने के बाद नीतीश कुमार फैसला ले सकते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का खुला ऐलान बीजेपी को कर रहा है परेशान। देखिए एबीपी न्यूज ने लिखा भी है कि चंद्रबाबू नायडू ने 5 मई 2024 को पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, शुरू से ही हम मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं और यह जारी रहेगा। टीडीपी प्रमुख ने यह बात प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान यह कहे जाने के कुछ दिनों बाद कही थी, जिसमें पीएम ने कहा था वह दलितों आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कोटे को मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने देंगे। मतलब जो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण कोटा है उसमें से हम मुसलमानों का हिस्सा अलग नहीं करेंगे, यानी कि हम उनका हिस्सा काटकर मुसलमानों को नहीं देने देंगे। नरेंद्र मोदी अब चंद्रबाबू नायडू को रोक पाएंगे क्या, इसका जवाब तो मोदी जी भी अब नहीं दे पाएंगे। वो तो बस इसी जुगत में लगे हैं कि कैसे भी केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार कहला जाए, लेकिन मोदी सरकार अब नहीं है, अब चलता है एनडीए की सरकार। यहां भी गौर कीजिएगा, जो मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पर भारी, वो अब ये बात नहीं कह रहे। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार, बीजेपी की गारंटी, मोदी की गारंटी, सब खत्म हो गया। अब एक ही चीज सुनने को मिलता है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार ने अच्छा काम किया, बिहार में बीजेपी का भी प्रदर्शन ठीक रहा, यहाँ नायडू बाबू के नेतृत्व में कमाल हो गया। अब मोदी की गारंटी नहीं, आगे यह एनडीए की गारंटी है, ये अंदाज है इस वक्त नरेंद्र मोदी का, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि समय ने करवट ले ली है, जनता ने इनके अहंकार को तोड़ा भी। अब की बार 400 पार पर प्रशांत किशोर ने भी कहा ये ओवर कॉन्फिडेंस था, अधूरा नारा था, जिसमें 400 पार का उद्देश्य क्लियर नहीं था। तो फिर यह घटना तो घटनी तय थी, क्योंकि 400 पार के बाद जो अधूरा नारा था उसे विपक्ष ने जनता के बीच ऐसे सेट किया कि 400 पार संविधान को भी कर देंगे ये लोग आर पार, बदल देंगे, ऐसे लगे। अब 400 पार एक घमंड को दर्शाने लगा, तो निश्चित तौर पर नुकसान तो तय था। अब इससे यह समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू ने जो स्टैंड लिया है और जो बाकी सर्कमस्टांसेज हैं वो मोदी को बैकफुट पर डाल रहे हैं कि भाई अब हम करें तो क्या करें। इसी वजह से ये खुला खुला ऐलान हर बार हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू के दिल में जो है वो यह जानबूझकर बोलते हैं कि हम मुस्लिम आरक्षण भी
लागू करेंगे या इसे जारी रखेंगे, वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त उनका कुछ कर नहीं सकते, हाँ ये चाहे तो सरकार पलट सकते हैं। अब इसको लेकर के देखिए, जो नारा लोकेश है इनके बेटे, उन्होंने कहा कि वे राज्य में मुसलमानों को दिया जा रहा आरक्षण जारी रखेंगे। यह एक ऐसी नीति है जिसका उनके गठबंधन में सहयोगी पार्टी बीजेपी ने कड़ा विरोध किया है। लोकेश ने NDTV के साथ एक विशेष इंटरव्यू में कहा, यह मुसलमानों के आरक्षण पिछले 2 दशकों से चल रहा है और हम इसके साथ खड़े हैं, हम इसे जारी रखने का इरादा रखते हैं। ये खुले तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाने जैसा है और शपथ ग्रहण से पहले मोदी की टेंशन बढ़ाने जैसा भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।